राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को गत दिनों से पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आने के मामले में शुक्रवार को भीलवाड़ा में राष्ट्रीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कार्यकर्ता रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचे, वहां उन्होंने इस मामले में कार्यवाही की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि 17 जुलाई को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे कॉल आए थे और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर सुखदेव सिंह ने संबंधित थाने में एक शिकायत भी कर रखी है। आपको बता दें कि इस तरीके से जान से मारने की धमकी मिलने और हाल में ही राजस्थान में हुई दुर्घटना को देखते हुए राष्ट्रीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने सुखदेव सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इन नंबरों की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। आपको बता दें कि इस दौरान काफ़ी संख्या में राष्ट्रीय करणी सेना के पदाधिकारी व अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।